क्या नाम है आपका? सर जी मुझे बिट्टू कहते हैं, जगत नाम मेरा जी। मैं अपने ओल्ड फरीदाबाद गाँव से ही हूँ। यहाँ के जो विधायक है मिस्टर विपुल गोयल, कहने को तो ठीक है बीजेपी है, बहुत अच्छी सरकार, लेकिन विधायक जो है ना, आज तक इस बंदे ने आके ये तक नहीं देखा किसी मरे में ना जिंदे में, ना आए में ना जाए में। आज तक इसको 5 साल हो गए, इसने ये नहीं देखा अरे इस पार्क की क्या सुविधा है, ना पार्क में, पार्क में हमें ये नहीं कहना पार्क, ना गली में ना कुचों में, ना आए में ना जाए में। बीजेपी सरकार ने जो वोट टिकट दे देती है, और ये पैसे क्या बीजेपी सरकार पंजाबियों की बनियों की सरकार देगी है? क्या बालवी किस्म है लोअर क्लास का वोट बैंक, क्या वोट बैंक तक सीमित रह गया? कोई टिकट का दावेदार नहीं इसमें? बीजेपी इतनी सरमाईदार सरकार होगी है? मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी एक पिट्ठू पालू सरकार है। किसी टाइम में कांग्रेस सरकार में एक छोटे क्लास के तबके के आदमियों की सुनवाई होती थी, लेकिन बीजेपी बहुत हो चुकी है। मानता हूँ मोदी बहुत एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं और भविष्य में भी यही रहने चाहिए, बहुत अच्छे नेक इंसान है, लेकिन जो उनके नीचे तबके के आदमी है बहुत आदमी है। कृष्णपाल गुर्जर को मोदी की वजह से जीत गया, वरना ये मैं कहता हूँ उसकी जमानत बच जाती किस्मत है। चलो वो तो पॉलिटिक्स हो गया, लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आप लोगों को मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि अपनी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली पानी सड़कें या फिर सफाई व्यवस्था, या आपके बच्चों का भविष्य यहाँ पे होता है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है और चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है, वो उसके बारे में बताइए। देखो सर जी ये है, मैं आपकी से एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक मंत्री जी एक बार अपना राउंड नहीं लेंगे, इनको इलेक्शन टाइम पे अपना क्यों दौरा याद आता है कि हाँ जी मुझे घूमना है, मुझे घर पर जाकर वोट मांगे। आज तक ये किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं गए, आज तक इन्होंने किसी पब्लिक पैलेस को आगे नहीं देखा, आज तक किसी गली कूचों में जाके हाँ जी पानी की सुविधा का, क्या ये अपने घर में बैठ के एसी में पड़े रहना पसंद करते हैं? क्या इनको चंडीगढ़ चंडालों का घर नजर आता है? मुझे इस बार के जवाब दीजिए। जनता के बीच में नहीं रहते आप कह रहे हो? अरे जनता तो इनको, जनता तो एक रखे है इनके लिए, केवल हाथ जोड़ के बस और कुछ ही नहीं है। वोट मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जब वोट का समय आता है तो जनता के बीच में होते हैं, उससे पहले कभी नहीं होते? सर जी फिर तो इनको मटर पनीर जहाँ तक की कड़ी परात वहीं बताए सारी रात। ये मैं नहीं कह रहा, हर आदमी किसी प्रश्न से पूछ सकते हैं। अगर आप अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी जो इलाज किस तरीके का होता है वहाँ पे? सर जी देखो हमारे यहाँ पे एक ही बीके हॉस्पिटल है, जो कि बहुत ही ठीक है, अच्छी फैसिलिटी बिल्कुल टाइम के था किसी टाइम में, लेकिन आज के टाइम बहुत ही डैमेज है, बहुत ही घटिया हो चुका है। चोट लग रही है इधर भी पूरे में, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। अरे जब मिनिस्टर जाएगा कुछ फैसिलिटी देंगे, कोई बातचीत होगी तभी तो वहाँ कुछ फैसिलिटी मिलेगी, डॉक्टर गायब रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो होगी जो करंट में यहाँ से जो विधायक है उनकी बात की जाए, जिससे पहले कांग्रेस के विधायक थे, क्या उन्होंने कुछ विकास कार्य कराए थे यहाँ पे? सर जी कांग्रेस सरकार भी ठीक है अपने टाइम पे थी, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मंत्री विधायक वाला सब एक, जब वोट बैंक का टाइम आता है ना तभी तक एक होते हैं, उसके बाद सब डैमेज है।